हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिंकी और आप देख रहे हैं रिंक्स चॉइस चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ झारखंड पुलिस में भर्तियाँ। जी हाँ दोस्तों, सातवीं पास लोगों के लिए झारखंड पुलिस ने निकाली है भर्ती, और जिसमें महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। अगर महिलाएं सातवीं पास है तो इसमें महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, साथ ही इसमें पुरुष तो आवेदन कर ही सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे मिलेगी यह नौकरी, कैसे होगी आपकी भर्ती और कैसे करना है आपको आवेदन, सब कुछ पता चलेगा आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में। लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल रिंक्स चॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भारत में निकलने वाली हर एक सरकारी नौकरी की जानकारी और अन्य भर्तियों की जानकारी आपको आसानी से मिल सके। इस भर्ती के बारे में अगर बात करें तो झारखंड पुलिस ने मार्च 2018 में निकाली है यह भर्ती दोस्तों। होम गार्ड की भर्ती की जाएगी, 955 इसमें वैकेंसीज है। टोटल जो भर्तियां की जाएंगी वो 955 की जाएंगी, और नौकरी करने का जो स्थान इसमें दिया गया है वो है, जॉब लोकेशन है पलामू, यानी कि झारखंड के पलामू में ये भर्तियाँ की जाएंगी। नोट परसुइंग ग्रेजुएशन आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि जिनकी ग्रेजुएशन ना चल रही हो वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें दसवीं पास लिखा हुआ है, लेकिन मैं आगे आपको दिखाऊंगी वीडियो की इसमें सातवीं पास के लिए भी भर्ती है। साथ ही इसमें अगर आप दसवीं पास है तो उनके लिए भी अन्य भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, और अगर आप सातवीं पास है तो आपके लिए भी डिफरेंट इसमें पोस्ट हैं जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो झारखंड पुलिस में भर्ती करने की जो लास्ट डेट है वो है 12 मार्च 2018 से पहले पहले आपको आवेदन करना है। आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे आवेदन करना है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा दोस्तों। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं इस नौकरी के बारे में डिटेल से। होम गार्ड की जो ये भर्ती है जिसमें दसवीं पास को लिया जा रहा है, सातवीं पास को लिया जा रहा है, इसमें महिलाएँ भी आवेदन कर सकती हैं। पलामू में ये भर्तियाँ की जाएंगी। 12 मार्च 2018 से पहले आपको आवेदन करना है। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि नौकरी करने का स्थान क्या है, जहाँ पर आपको आवेदन भेजना है वो स्थान क्या है। देखिए दोस्तों, जो जॉब का जो एड्रेस है वो है झारखंड पुलिस पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड, और सिलेक्शन का जो प्रोसीजर इसमें लिखा हुआ है, जो सिलेक्शन होगा वो रिटर्न एग्ज़ाम होगा या इंटरव्यू होगा, सब कुछ आगे आपको पता चलेगा इस वीडियो में। देखिए, अगर आप इन नौकरियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, महिलाएं इस नौकरियों के लिए आवेदन करना चाहती हैं, पुरुष इस नौकरियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, सातवीं पास के लिए आवेदन करना है, या फिर आपको आप दसवीं पास है तो आपको आवेदन करना है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको वीडियो के नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट लिंक, जिस वेबसाइट लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी जानकारी आ जाएगी कि आपको आवेदन कैसे जमा करना है, कहाँ जमा करना है और किस किस पोस्ट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। पूरी जानकारी आपको पता चल जाएगी। महिलाएं, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या योग्यता और मापदंड होने चाहिए। पुरुष हैं तो उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, फिजिकल क्या टेस्ट होगा या फिर क्या होगा इसमें आपका रिटर्न टेस्ट, सब कुछ आपको पता चल जाएगा उस वेबसाइट लिंक के द्वारा। देखिए दोस्तों, ताकि आपको परेशानी ना हो, मैंने भी इस वेबसाइट लिंक को खोलकर पूरी जानकारी देखी, और आपकी देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से वेबसाइट लिंक जब आप खोलेंगे तो आपके सामने क्या जानकारी आ जाएगी, मैं आपको पूरी डिटेल पढ़कर बता देती हूँ। देखिए, आप इस प्रकार से देख सकते हैं ये पूरी जानकारी। वेबसाइट लिंक दिया है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज खुलकर सामने आ जाएगा, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है झारखंड गृह रक्षा वाहिनी पलामू। तो ये आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या निकली हुई है इसमें, पलामू जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए विज्ञापन। तो इसमें लिखा हुआ है गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवक संगठन है, तथा गृह रक्षक उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं, जितने दिन आवश्यकतानुसार उन्हें कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त किया जाता है उतने कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता भुगतान दे होता है। यह कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है, मतलब कि कह सकते हैं कि यह सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन इसमें जितने दिन आपको काम के लिए रखा जाएगा उतने दिन आपको पेमेंट दी जाएगी। यह सरकारी काम ही, लेकिन सरकारी एक नौकरी नहीं है जिसको आपको हमेशा के लिए दे दिया गया हो। मैं आपको बता रही हूँ इसमें ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए जो निकाली गई है, तरसवी में 58 भर्तियाँ की जाएंगी, पड़वा में 51, रामगढ़ में 110 भर्तियाँ, उटारी रोड में 93 भर्तियाँ, हैदरनगर में 83, मोहम्मदगंज में 77 भर्तियाँ और नवाब बाज़ार में 104 भर्तियाँ की जाएंगी। वहीं नवडीहा बाज़ार में 110 भर्तियाँ और पीपरा में 96 भर्तियाँ, कुल मिलाकर 782 भर्तियाँ की जाएंगी दोस्तों। और इसमें दी हुई है भारी जो शहरी गृह रक्षकों के लिए निकाली गई है रिक्तियाँ, उसमें 173 भर्तियाँ की जाएंगी शहरी में,
और इसमें महिलाओं के लिए भी इसमें निकाली गई है और पुरुषों के लिए भी निकाली गई है, मतलब कि महिलाएं व पुरुष दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, और आवासीय ग्रामीण एवं शहरी गृह रक्षक के अभ्यर्थियों को पलामू जिला के उस प्रखंड उस बाहरी क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए जहां से ग्रामीण गृह रक्षक नामांकन के लिए आवेदन देता है। यानी कि आपको जो भी आप आवेदन करते हैं, जो भी आवेदन करता है आवेदन करना चाहते हैं, उनको पलामू जिला के उस प्रखंड उस बाहरी क्षेत्र का स्थायी निवासी, मतलब कि बाहरी लोग जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते इस नौकरी के लिए, जो निवासी हैं वहाँ के वही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और उम्र सीमा जो है वो 19 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और 40 वर्ष से कम, यानी कि अगर आपकी उम्र है 19 से ज़्यादा और 40 से कम तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता जो है ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं पास के लिए आवेदन कर सकते हैं, और जो शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं पास की आवश्यकता है। मतलब इसमें दो निकाली गई, एक 7वीं पास के लिए एक 10वीं पास के लिए, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार। पुरुष के लिए जो लंबाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 162 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जाति जनजाति वालों को छूट दी गई है तो उनके लिए 157 सेंटीमीटर। वहीं महिलाओं के लिए जो लंबाई है वो 148 सेंटीमीटर सभी के लिए, और सीना पुरुषों के लिए जो बताया गया है वो 79 सेंटीमीटर यानी कि 79 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति वालों को छूट दी गई है उनके लिए 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। तकनीकी दक्षता होगी इसमें, चयन प्रक्रिया कैसे होगी मैं आपको बता दूं, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। जो गृह विभाग है झारखंड सरकार रांची की अधिसूचना संख्या जो निकाली गई है 20 अक्टूबर 2014 के आलोक में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित जांच परीक्षा ली जाएगी। जांच परीक्षा होगी, शारीरिक जांच परीक्षा होगी जिसमें 1 मील की दौड़ होगी, ऊंची कूद होगी, लंबी कूद, शॉर्ट पुट सम्मिलित होगा जिसमें आपको मार्क्स दिए जाएंगे, और दौड़ होगी, ऊंची कूद सब इसमें बताया गया कि किस किस में कितना क्या करना होगा, शॉर्ट पुट में कितना दूर तक कितने पॉइंट का गोला फेंकना है, और जो जांच होगी वो पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए किस तरह से होगी, कैसे उनको मार्क्स मिलेंगे। हिंदी की एक लेखन परीक्षा होगी, तकनीकी जो टेक्निकल जो है वो एक एग्ज़ाम होगा, साफ साफ लिखा हुआ है इसमें देख सकते हैं आप, और इसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पुरस्कार अगर आप प्राप्त कर चुके हैं किसी खेलकूद प्रतियोगिता आदि में स्कूल में तो आप उसके भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना है तभी आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। और बाहरी गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवकों को बाहरी गृह रक्षक के पूर्ण रिक्तियों के 10% नामांकित करने की सीमा निर्धारण है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो 10 अंक मिलेंगे, कॉलेज किया हुआ है तो 8, मतलब बीए किया हुआ है, ग्रेजुएशन की हुई है खाली बीए एमए, मतलब कि अगर आपने स्नातकोत्तर यानी कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमए किया है, एमकॉम आदि किया है तो 10 अंक मिलेंगे, स्नातक यानी कि आपने सिर्फ ग्रेजुएशन की हुई है तो 8 अंक मिलेंगे, इंटरमीडिएट अगर आपने किया है तो 6 अंक, और मैट्रिक किया है तो 4 अंक। आवेदन कैसे जमा करना है, इसमें लिखा है कि इसमें जो पत्र दिया हुआ है मैं आपको दिखाती हूँ, कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है इसमें नीचे, उसको आपको भरकर जो मैं आपको बता रही हूँ इस पते पर जाकर अपने हाथों से आपको जमा करना है, मतलब कि ना तो ऑनलाइन भरना है ना ही पोस्ट ऑफिस या डाकखाने के माध्यम से करना है। दोस्तों आपको ये अपना आवेदन पत्र जो है जाकर इस पते पर जमा करना है, जिला समादेष्टा झारखंड गृह रक्षा वाहिनी पलामू, पिन कोड 822101, इस पर आपको जाकर अपने हाथों से जमा कराना है। इस पर ये लिखा हुआ है कि आवेदन जो है वो निबंधित डाक स्पीड पोस्ट द्वारा भी भेजा सकता है, डाक द्वारा भेजने वाले उम्मीदवार लिफाफे के ऊपर। अच्छा दोस्तों मैंने मतलब ऊपर मुझे पता नहीं था, मैंने नीचे पढ़ा तो मुझे पता चला है कि जो आवेदन पत्र आपको भेजना है वो आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी भेज सकते हैं, और उसके ऊपर जब आप लिफाफे में डाल देंगे अपना एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म भर के उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे सेल्फ अटेस्टेड यानी कि खुद सिग्नेचर करके, तो लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है विज्ञापन संख्या,
विज्ञापन संख्या मैंने आपको ऊपर दिखा दी थी, विज्ञापन संख्या लिखी हुई थी ऊपर ही, इसमें जब आपने डाउनलोड किया तो ऊपर ही विज्ञापन संख्या लिखी हुई थी, वहाँ से आप विज्ञापन संख्या देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा दूँगी दोबारा अभी। और इसके अलावा आप किसके लिए आवेदन कर रहे हैं, ग्रामीण गृह रक्षक प्रखंड के लिए कर रहे हैं या शहरी गृह रक्षक के लिए कर रहे हैं, गैर तकनीकी के लिए कर रहे हैं या तकनीकी के लिए कर रहे हैं, जिसके लिए आवेदन करना है वो ज़रूर लिखें। आवेदन जो इनको भेजना है आपको वो भेजना है 12 मार्च 2018 से पहले पहले, क्योंकि 12 मार्च 2018 है उसकी लास्ट डेट। और आपको एक ही आवेदन करना है, एक से ज़्यादा आपको आवेदन नहीं भेजना है, वरना आपको निरस्त कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो इस बेहतरीन भर्ती के लिए आप अपना आवेदन भेज सकते हैं, जो आपको अगर आप पोस्ट के माध्यम से भेज रहे हैं तो विज्ञापन संख्या देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, लिखी हुई विज्ञापन संख्या 01/2018, ये विज्ञापन संख्या लिखनी है। और पोस्ट ऑफ लिखना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो लिखना है। तो आप इसे ध्यान से देख सकते हैं, वेबसाइट लिंक मैंने आपको दे दिया है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसमें से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी जैसे मैंने आपको दिखाई इसी तरीके से। दोस्तों तो आपने देख लिया होगा क्या है पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लोग पहले भी आवेदन कर चुके हैं उनको पुनः आवेदन नहीं करना है, वो पहले आवेदन कर चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन नहीं करना है, यानी कि फिर से दोबारा अप्लाई नहीं करना है इस नौकरी के लिए, इस भर्ती के लिए। और पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता चल गया है, कैसे आपको भरना है, पोस्ट के माध्यम से जब आपको भरना है तो क्या भरना है, और एक लिफाफा एक्स्ट्रा भेजना है आपको जो कि आपके पास वापस आ जाएगा, वो आपका एडमिट कार्ड के रूप में जब आपकी परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा तो वो आपके पास कॉल लेटर आएगा उसी लिफाफे में, तो आपको एक एक्स्ट्रा जो लिफाफा है वो अपने आप ही अपने आप से भेजना है उसी लिफाफे के साथ जिसमें आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, वो लिफाफा आपको भेजना है उसके साथ ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है या आप जिस जानकारी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेंशन कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं इस नौकरी से संबंधित या फिर अन्य किसी भर्ती से संबंधित, अन्य किसी राज्य से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप इस मैसेज को, आप इस वीडियो को, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य ज़रूरतमंद लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। दोस्तों जो अपने देश के लिए, देश की सेवा में कुछ काम करना चाहते हैं वो इस नौकरी के लिए आवेदन ज़रूर करें, बेहतरीन नौकरी के लिए कम यह मौका दोस्तों बहुत ही कम लोगों को मिलता है कि अपने देश के लिए कुछ करके दिखाएं। महिलाएं भी इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकती हैं, इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं, मैं तो कहूंगी कि महिलाएं बड़ी संख्या में इसके लिए आवेदन करें। सातवीं पास इसकी जो योग्यता है वो कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब कि बहुत सी महिलाएं ऐसी होंगी जो सातवीं पास हैं और नौकरी करना चाहती हैं, नौकरी की तलाश में, या कुछ ऐसा करना चाहती हैं जो दिखाएं वो कि हमने भी कुछ करके दिखाया है, अपने पैरों पर खड़ा होने की जो इच्छा रखती है वो इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको भारत में निकलने वाली हर एक सरकारी नौकरी की जानकारी और अन्य भर्तियों की जानकारी आसानी से मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।